अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, और उसमें इन्फॉर्मेशन हम ये देंगे कि आप अगर जर्मनी आएँ और अगर आपने कोई फ़ोटोकॉपी करवानी है, कोई प्रिंट निकलवाने हैं, तो आप किस तरह निकलवा सकते हैं। तो जनाब, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप प्रिंट ले सकते हैं, कॉपी निकलवा सकते हैं। तो मेरे साथ आपने जुड़े रहना, मेरी वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है, स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, वैसे तो फोटोकॉपी की शायद आपको शॉप मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिल रही, लेकिन आपको एक यहाँ पर ढूंढनी होगी DM। मैं लिंक दे देता हूँ, DM शॉप है, उसको आपने ढूंढना है और वहाँ पर आपने जाना है। तो मैं भी बस वहीं पर पहुँच गया हूँ। तो आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि DM की शॉप से प्रिंट कैसे निकलवाएंगे। तो जी, थोड़ा यहाँ पर डिजिटल दौर है, यहाँ पर कोई बैठा नहीं होगा कि वो मैं जाऊँगा उसको कहूँगा कि ये USB है या ये मेरे मोबाइल में है, तो सब कुछ खुद करना है। तो जनाब, मैं जाता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आपने प्रिंट लेने हैं। जो लोग जर्मनी में आए हैं और वो जानना चाहते हैं कि प्रिंट कैसे लिए जाएँ, और सस्ते प्रिंट, यानी कि महंगे प्रिंट, सस्ते प्रिंट हम आपको बताएंगे कि कैसे लेने हैं। फ़ोटोकॉपी भी हो जाएगी, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, पासपोर्ट की कॉपीज़, और इवन सस्ते रेट में कलर फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हैं वो भी मिलेगी, ब्लैक एंड वाइट भी मिलेगी। तो जनाब, मैं पहुंच गया हूँ DM। तो ये देखें, मैं आपको शॉप दिखाता हूँ। जनाब, DM है, और ये मैं DM में एंटर हो रहा हूँ। ये DM शॉप है, इस तरह का लोगो देखना है आपने, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट कॉस्मेटिक्स और इन चीज़ों की दुकान है। मैं शॉप में एंटर हो गया, तो ये देखें, यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें, मतलब ये बेसिकली दुकान जो है वो उस चीज़ की है, आपने अपने लिए फेस वॉश लेना है, कॉस्मेटिक्स टाइप की दुकान है। यहाँ पर देखें, फेस वॉश पड़े हुए हैं, साबुन पड़े हुए हैं, और पीछे थोड़ी छोटी सी ग्रॉसरी की दुकान है। यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े लटके हैं, बट असल में ये है जो मशहूर है, ये फैशन आपके ब्यूटी रिलेटेड जो है ना, ये शॉप है। तो अब हमने जो जिस मकसद के लिए हम आए हैं, हम उस मकसद की तरफ जाते हैं। वो देखें जी, सामने हैं ये जी, यहाँ से हम लेंगे अपने प्रिंट वगैरह, ठीक है। तो अभी कैसे लेते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं जनाब, तो ये देखें जनाब, यहाँ पर आपने सबसे पहले इंग्लिश करना है इस लैंग्वेज को, ठीक है, इसको अपने लैंग्वेज को इंग्लिश कर लिया, ठीक है। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर देखें जी, ये प्रिंट्स भी आ रहे हैं, कॉपी भी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको तस्वीरों के भी प्रिंट मिल जाते हैं, ठीक है। ये स्कैनर पड़ा हुआ है साथ ही, देखें यहाँ से बाय जनरेट स्लिप आती है, और यहाँ से आपके अक्सर डॉक्यूमेंट यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो अब तरीका क्या, देखें यहाँ से आपने दिन है, ये मैं इसको करता हूँ, मैंने क्योंकि कुछ प्रिंट निकाल लें, ठीक है, तो मैं इस पर कर देता हूँ प्रिंट। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको मोबाइल से चाहिए, कैमरे से चाहिए, किस USB से चाहिए। मैं इसे कहता हूँ मुझे मोबाइल से चाहिए। अब ये कह रहा है आपके मोबाइल कौन सा, एंड्रॉयड है, एप्पल है। मैंने कहता हूँ एंड्रॉयड है, ठीक है। ये यहाँ पर केबलें लटकी हुई हैं, ये देखें, ये केबल्स हैं, ठीक है। इन केबल से भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, ब्लूटूथ से, हम थोड़े और एडवांस। अब ये कह रहा है कि आपके ना ब्लूटूथ के ऊपर जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक आएगा पिक्चर किसको 3, ठीक है। बेसिकली ये कोडेक की डिवाइस है, देखिए कोडेक की, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ से स्टार्ट काम। ये देखें, यहाँ से मैं अपना ब्लूटूथ ऑन करता हूँ, ये मैंने किया ब्लूटूथ ऑन, ठीक है। इस सर्च में डिवाइस में जाके देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखें 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, ठीक है। इन डिवाइसेस में जो है ये पहले चेक कर लेना है कि 2 ना हो, कि 3 ना। अब ये मेरे ऑलरेडी पेयर हैं, हो चुके हैं वह, ये 2 और 0 जो है ऑलरेडी, लेकिन अभी हम 3 के ऊपर देख रहे हैं। तो 3 जब आएगा तो हम उसके ऊपर तब जाएंगे। ये जी देखें, ये पिक्चर किसको 03, ये देखो आ रहा है ना 3 नंबर पर, ये हमारे पास भी इधर 3 आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से दबाते हैं जी पेयर पर, इस पर ये जी कोड पूछ रहा है, तो इसकी इसका कोड है 4 × 0, 1 2 3 4, 4 × 0
इसको मैंने किया ओके, ये हो गया जी पेयर, ये देखें ये पेयर हो गया। इसका कोड कैसे पता लगा, इधर लिखा हुआ है ठीक है जी, ये पेन लिखा हुआ है ना 00, ये इसका कोड है ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, जब मेरे पास ये पेयर हो गया है ना, ये पेयर हो गया, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट निकालने हैं ठीक है जी ना, जो मुझे करने हैं प्रिंट ठीक है। अब फर्ज कर लें मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट कोई प्रिंट करना है ठीक है, वैसे तो मेरे पास और भी हैं, अब ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने प्रिंट करना है ठीक है। इसको मैं जाऊँगा शेयर के बटन के ऊपर ठीक है, शेयर बटन के ऊपर क्यों ये आगे से पूछ रहे हैं किस तरह करना, तो मैं कहता हूँ इसको ब्लूटूथ से कर दो। अब ये मेरे से पूछ रहे कौन सा, तो फिर मैं इसके ऊपर ये वाला देता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट ठीक है, इस पर किया है, मैंने इस पर किया तो ये देखना यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया ये वाली फाइल ठीक है जी। तो फिर मैं इधर से करूँगा डन, ये मैं डन किया, इसके ऊपर सेलेक्ट किया कि ये वाली फाइल है ठीक है जनाब। अब ये देखें जनाब ये क्या कर रहा है, कि मेरे से पूछ रहा है कि इसको जो आपने किस तरह करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है, कलर करना है, वन साइडेड करना है, टू साइड करना है, उसकी रेंज भी बता सकते हैं। ये देखें जी एक डॉक्यूमेंट कितने सेंट के आ रहा है, 0.10 सेंट ठीक है जी, बस 10 सेंट का ही है ठीक है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसको करते हैं डन ठीक है जी। अब ये डन हो गया, अब ये आपसे कह रहा है कि प्लेस कर दो ऑर्डर ठीक है, तो हम जिसको ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। अब देखना जब ऑर्डर प्लेस किया तो मैं इसको करूँगा ना डन, ये रसीद देखने कहाँ से आएगी, देखें अब आप लोग सोच रहे होंगे रसीद तो आगे प्रिंट कहाँ से आएंगे, तो भाई आज मैं बताता हूँ प्रिंट कहाँ से आएंगे। लो जी प्रिंट किधर से आएंगे, प्रिंट यहाँ से आएंगे, लेकिन करना क्या है आपको, ये जो आया है इसको ऐसे स्कैन करना है, स्कैन किया इसने उठा लिया, अब यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट आ जाएगा। थोड़ा सा ये लेता है तकरीबन एक मिनट तक लेता है, एक मिनट तक के बाद आ जाते प्रिंट, देखिए एक मिनट के अंदर अंदर आ जाता है। और प्रिंट की क्वालिटी और पेज की क्वालिटी भी बताऊंगा, ये नहीं कि अगर 10 सेंट है तो 10 सेंट में कितना हल्का सा प्रिंट आ रहा है, ये बात नहीं है। ये अभी आपको मैं चेक कराता हूँ, अब ये देखें ये इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है पेज की कि मैं बताऊँ, प्रिंट की क्वालिटी भी आप देखें, कहीं ऐसे नहीं है कि कोई लाइन लगी हो, ये थोड़ी सी रोशनी यहाँ पर साया आ रहा है, ये देखें ये नहीं कि पेज प्रिंट की क्वालिटी घटी है, ये वन है प्रिंट की क्वालिटी ठीक है जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आसान सा प्रोसीजर आपको समझाया जाए, प्रैक्टिकल करके दिखाया आप लोगों को, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।